इस गुरद्वारा साहब के अंदर सिखां ते सिख फौजियों नूं जाण दी इजाजत नहीं है। पर दुख की गल यह है कि इहदे विच जो बीड़ियां पीण वाले है, सिगरटां पीण वाले है, चूना खाण वाले है, वह फौजी जिहड़े है बूटां समेत अंदर जिहड़े है वह घूमदे रहिंदे हन, पर सिखां नूं जाण दी इजाजत नहीं है, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों ना होवे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुर प्यारे, सिख धर्म ने भारत को आज़ाद करवाने वास्ते सब तो वध कुर्बानियां दित्तियां, सब तो वध शहादतां दे जाम पीते, पर अज भारत दे विच सिख धर्म एक अजिहा धर्म बन के रह गया है जिसनों सब तो वध तशद्दुद का सामना करना पै रहा है। बेशक होर भी घट गिणती कौमां बहुत है ने जो तशद्दुदां नूं झेल रही ने, पर अगर सिख कौम की गल की जाए तो हुण तां सिख कौम के गुरु घर भी सिख कौम के हत्थां विच नहीं रहे, क्योंकि सिखां नूं ही गुरु घर जाण तों मनाही कर दित्ती है। हाँ, गुरु घर वह जरूर जा सकता है जो बीड़ियां सिगरटां पींदा होवे, जो नशे का सेवन करता होवे, ते इह सब कुछ करवाया जा रहा है मथुरा कंटोलमेंट यूपी के गुरुद्वारा विखे, जिथे कुछ समा पहला बहाने दे नाल संगतां नूं रोक दिता गया। गुरुद्वारा बिल्कुल नवा बनिया होया सी, गुरुद्वारे की रेनोवेशन के नाम के उत्ते संगतां नूं उत्थे आण तों मनाही कर दिती गई। उस तों बाद हुण अगर कोई फौजी सिख भी गुरु घर जाण की कोशिश करे तो उस नूं भी नहीं जाण दिता जांदा, पर हाँ जे कोई मनमुख बिना दस्तार तो बीड़ियां सिगरटां पींदा होया उत्थे जाना चाहता है तो उस नूं कोई मनाही नहीं कीती जांदी। इस तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि किद्दां इह घटिया ब्राह्मणवादी सोच घट गिणतियां नूं निशाना बना रही है अते किद्दां धार्मिक भावनावां सिख कौम दीआं तार तार कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गुरद्वारा साहब दे तुसीं दर्शन कीते हन, ये मथुरा कैंटोनमेंट दे विच पैंदा है, उत्तर प्रदेश दे विच पैंदा है। इस गुरद्वारा साहब दे अंदर सिखां ते सिख फौजियों नूं जाण दी इजाजत नहीं है। पर दुख दी गल ये है कि इहदे विच जो बीड़ियां पीण वाले है, सिगरटां पीण वाले है, चूना खाण वाले है, वह फौजी जिहड़े है बूटां समेत अंदर जिहड़े है वह घूमदे रहिंदे हन, पर सिखां नूं जाण दी इजाजत नहीं है, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों ना होवे। अज ब्राह्मणवाद का इन्ना जोरदार अटैक हो रहा है, सिख केवल इस देश दे विच मरन वास्ते हन, जे जरूरत पैंदी है चाइना दे बॉर्डर दे उत्ते तो उत्थे भेज दिते जांदे है, पाकिस्तान दे बॉर्डर दे उत्ते भेज दिते जांदे हन, पर फौज दे विच्चों ही जिहड़े गुरद्वारे हन जां तां उहनां नूं बंद कीता जा रहा है जां फिर उहनां नूं ढाया जा रहा है। मैं किहड़ियां-किहड़ियां सिख जथेबंदियां दे नाल कॉन्टैक्ट कीता उहनां दे बारे भी गल करांगे, और ये जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा हाँ बहुत ही रिस्पोंसिबिलिटी दे नाल, दावे दे नाल और प्रूफां दे नाल कह रहा। ये वीडियो नूं पूरी सुनना जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिहड़े चैनल दे नाल नवें जुड़े हन वो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लेना, प्रेस ऑल कर लेना तां कि जदों भी वीडियो पाउंदे हाँ वो नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके, तो वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना जी। ये गुरद्वारा साहब 1936 का बनया होया है, अंग्रेज़ां दे टाइम का, सिख संगतां दे द्वारा बनाया होया है, क्योंकि गुरद्वारा साहब नूं बनाउण वास्ते जिन्हां भी संगतां ने उस समय पैसा दिता उन्हां दे नाम उत्थे सारयां दे एक पत्थर दे उत्ते जिहड़ा है गुरद्वारा साहब दे सामने लिखे हुए हन, और गुरद्वारा साहब दे अंदर जो भी इक्विपमेंट पिया है, अंदर AC वगैरह लगे हुए हैं, रेफ्रिजरेटर है, सब कुछ है, वो सारे का सारा जिहड़ा है सिख संगत दे द्वारा जिहड़ा है वो डोनेट किया होया है। 2016 तो पहला फौज की किसी भी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं सी, सिविल जिहड़ियां सिख संगत होंदियां सी ते जिहड़ियां फौजी सिख संगत होंदियां सन, फौजियों के परिवार सन, सारे ही प्रोग्राम जिहड़े है इकट्ठे मिलजुल के मनाया करते सन, दास भी उन्हां दे विच हमेशा शामिल हुंदा सी। 2016 दे विच फौज ने एक साजिश के तहत जिहड़ा है गुरद्वारा साहब नूं जिहड़ा अपने अंडर लैण वास्ते सिख संगत की इंट्री बैन कर दिती कि असी इत्थे रिपेयर करने है, जबकि गुरद्वारा साहब बहुत ही शानदार बनया होया और सिख संगत ने बहुत ही वधिया तरीके दे नाल मेनटेन किया होया सी। फौज ने किया कि थोड़ा जिहा पेंट वगैरह कर दिता, बरांडे दे विच जो पत्थर सी
उसनू उखाड़ के जड़ा उत्थे दुबारा लगा दिता, पर गुरद्वारा साहब नहीं खुलिया। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर दो सरूप पे सन, उन्हां दी जो विधि विधान है विलक्षण साडा, उहदे मुताबिक उन्हां दी सांभ संभाल जिहड़ी सी नहीं हो रही सी। तो मैं बार बार जिहड़ा फौजी तरीके दे नाल जा के स्टेशन कमांडर नूं और जिन्ने अपने सिख अफसर सी उत्थे उन्हां नूं मिलिया और दस्या उन्हां नूं सारी गलबात और उन्हां नूं कहा कि घट तो घट जिहड़ा है इन्ने सिख फौजी हन इत्थे, घट तो घट एक सिख फौजी जिहड़ा है वह गुरु ग्रंथ साहब जी की सांभ संभाल वास्ते दिता जाए गुरद्वारा साहब, कि जिहड़ा सवेरे शाम जिहड़ा है उत्थे नितनेम करे। पर नहीं, ये ना करके सगो जिहड़ा है एक जो बीड़ी पीण वाला, सिगरट पीण वाला, चूना खाण वाला बंदा उत्थे बिहारी जिहा दिता और सारा दिन जिहड़ा है अंदर बिहारी ही कुसे रहिंदे वड़े रहिंदे सन बूटां दे नाल। जिहड़ा है इस तरीके दे नाल उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो रही सी। तो मैं जो है उत्थे जिहड़ा जो कोर कमांडर सी वह सिख सी AS पिंडर, लैफ्टिनेंट जनरल AS पिंडर। मैं उन्हां दी वाइफ नूं जा के सारी गल समझाई, ये सारा मैं दस्या उन्हूं मिलिया परसनली जाके, अति उसने जिहड़ा जवाब दिता मैं उस तों भी बहुत हैरान होया। उसने कहा कि साहब असी तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो दिल्ली तो ऑर्डर हैं। तो तुसीं अज ये समझ सकते हो कि जो लैफ्टिनेंट जनरल जनरल है, जो सिख है एक, वो गुरद्वारा साहब जिहड़ा है खिलाउण दी हैसियत नहीं रखता, कि अज जिहड़ा है किस तरीके दे नाल फौज दे विच भी जिहड़ा सिखां दे नाल जिहड़ा है वितकरा हुंदा है। अज जिहड़े सिख हन केवल लड़न वास्ते हन ते मरन वास्ते हन। फिर मैं जो है जो स्टेशन कमांडर है राठी साहब उसनू जाके जदों मिलदा हाँ, उसनू जाके मैं दस्या भी उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो रही है, ये बेअदबी का मामला है। तो उसने कहा कि नहीं, उत्थे ते बंदा जो दिता होया है। मैं कहा दिता तुसी कोई सिख ते नहीं दिता होया, कोई सिख बंदे नूं दो जाके उत्थे दो। मैं कहा फिर किसी की जो है किसी सिख नूं अंदर जाण की कोई इजाजत नहीं है। तो मैं उन्हूं कहा कि उत्थे जो गुरु जो जो उत्थे निशान साहब लगा होया है उहदा जिहड़ा चोला साहब है वह बहुत पुराना है, उसनों असी चेंज करना है। तो उसने कहा कि तुहानू मना कौन करता है? तो मैं उसनों कहा कि मना तो उत्थे गार्ड जिहड़ी लगा रखी है वह मना करती है, अंदर जाण नहीं दिंदी। तो उस तो बाद मैं उत्थे जिहड़ा है 22 सितंबर नूं तकरीबन 10 जने असी जाते हाँ, जिद इसत्रियाँ भी होंदिया, कुछ असी जिहड़े है बच्चे होंदे है उहदे विच, ते कुछ असी जेंट्स होंदे। असी जदों जाके उत्थे निशान साहब नूं अंदर, ते क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दा जिथे प्रकाश है उत्थे लॉक लग्या होया, ते बाहरों असी जिहड़ा है गेट खोल के जदों वह निशान साहब नूं चेंज करते हैं, क्योंकि वह निशान साहब की सेवा भी जिहड़ी है सिख संगत ने ही की हुई है। तो जदों चेंज करते हाँ तो उत्थे जिहड़ा कर्नल एक अमनजीत सिंगला है वो आ जाता है QRT लैके, क्विक रिएक्शन टीम दियाँ दो गड्डियां लैके आ जाता, तो अपने जिहड़ा सीनियर अफसर तो होर मंग रहा है 10 जाने असी इसत्रियाँ कुछ बच्चे है और साढ़े को कुछ भी नहीं है, और जिहड़ा कह रहा है कि इन्ह ने जिहड़ा गुरुद्वारे के अंदर वड़ गए हैं और इन दे उत्ते जिहड़ी है फायरिंग करनी है, तो तुसीं होर QRT भेजो। उत्थे जिहड़ा है फौज के नाल थोड़ी तू तू मैं हुंदी है, तो सानू जिहड़ा है वह गुरुद्वारा साहब तो जिहड़ा है बाहर कढ़ दिता जाता है, वह वीडियो भी तुसीं जिहड़ा है देख सकते हो। तो गुरुद्वारा साहब जिहड़ा है नहीं खोलिया जाता, सारयां नूं लैटर लिखे, जिहड़े लैटर लिख रहे सी असी, साडा एक भाई कन्हैया जी सेवक जथा जिहड़ा रजिस्टर्ड है, जिहड़ा कि एक NGO है, जिहड़ा कि बहुत सारिया सेवावां जिहड़ा है निभा रहा है, वो सारे दे सारे लैटर जिहड़े है असी उस जिहड़ा भाई कन्हैया जी सेवक जथा पैड दे उत्तों लिख रहे सी, वो लैटर मैं जनरल जिहड़ा है बिपन रावत नूं लिखिया, आर्मी कमांडर जिहड़ा साउथ वैसटर्न कमांड उसनों लिखिया, GOC 1 कोर नूं लिखिया, स्टेशन कमांडर नूं लिखिया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं लिखिया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लिखिया, पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्पोंस नहीं मिलिया। भाई जिहड़ा बलदेव सिंह बड़ाला है उहदे नाल भी मैं गलबात की, पर किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं मिलिया। उस तो बाद मैं जो है उत्थे हेमा मालिनी जिहड़ी MP है उस एरिए दी मथुरा वगैरह दी, उसनू जाके मिलदे हाँ, उहदे घर वृंदावन जाके मेरे नाल
प्रिंसीपल सुरिंदरपाल सिंह, मास्टर दलजीत सिंह ते भाई गुरमेल सिंह होंदे हन। उन्हूं सारी असी गल दसते हाँ तो वह कहिंदे हैं कि तुसीं स्टेशन कमांडर नूं मिले जां उत्थे जीओसी नूं मिले। असी सारा दस्या कि उन्होंने कहा कि सानू जिहड़ा है ये दिल्ली तो उपरों ऑर्डर हैं, उपरों ऑर्डर हैं। तो फिर उसने जिहड़ा है एक लैटर जिहड़ा है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ नूं लिखती है 12 अक्टूबर नूं, वह भी मैं जो है तुसीं देख सकते हो, ये उत्ते अपलोड करूँगा इस वीडियो दे विच तुसीं देख सकते हो। तो फिर उत्थे जिहड़ा है उहदी इंटरवेंशन दे नाल जिहड़ा है 12 नवंबर तो एक दिन पहला जो कि असी रिक्वेस्ट कर रहे सी कि पूरे वर्ल्ड विच गुरु नानक पातशाह दा प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है तो फिर जिहड़ा है इत्थे क्यों नहीं मनाउणा चाहीदा, तो सानू जिहड़ी है इजाजत जिहड़ी है वह दित्ती जानी चाहीदी है। और दूसरी साडी इह रिक्वेस्ट सी कि उत्थे कोई ना कोई जिहड़ा है सिख परसनल जिहड़ा है गुरद्वारा साहिब दित्ता जाणा चाहीदा है। गुरुद्वारा 12 नवंबर तो एक हफ्ता पहले खुलता, सारिया तैयारियां जिहड़ियां कीतियां जांदियां पेंट वगैरह करते हैं क्योंकि गुरुद्वारा साहब बहुत दिनों तो जिहड़ा है बंद कर दिता गया सी। तो गुरुद्वारा साहब उत्थे प्रोग्राम मनाया जाता, सिविल दियां संगतां आउंदियां, फौज दियां संगतां भी आउंदियां। और उस समय जिस दिन भोग पैंदा है 12 नवंबर नूं तां भी मैं स्टेशन कमांडर नूं मिलदा हाँ, जी ओ सी नूं मिलदा हाँ कि गुरद्वारा साहब नूं हुण बंद ना कीता जावे। पर उस दिन 12 नवंबर शाम को गुरद्वारा साहब नूं फिर बंद कर दिता गया। उस तो बाद फिर असी जिहड़ा है लैटर लिखते रहे, हर जगह के उत्ते लिखते रहे, पर कितों भी जिहड़ा है सानू रिस्पोंस नहीं मिलिया। मनजीत सिंह जी के नूं दिल्ली जा के मिले स्पैशली, ये फोटो देख लेना उहदे नाल साडी, उसनों जिहड़ा है रिटन दे विच सारा लिख के दिता है, जिन्हें लैटर असी लिखे सी वो सारे लिख के दिते, वो सारे उन्हूं दिते। और उसने पूरा भरोसा दवाया कि हाँ मैं जो है ये उत्ते असी जिहड़ा है डिफेंस मिनिस्टर नूं लैटर लिखांगे, मैं गल भी करांगा। पर उस तो बाद कोई जवाब नहीं आया, कई बारी टैलीफोन किए उन्होंने नंबरों के उत्ते पर उन्होंने कभी नहीं उठाए। मनजिंदर सिंह सिरसा जी नाल जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान है, उहदे नाल मैं टैलीफोन के उत्ते गल की, मिलन का समा मंगया उहदे कोलों, पर उसने समा नहीं दिता। उसने मैनू कहा कि गुरद्वारा साहब की फोटो भेज दो ते सारा मैटर जिहड़ा लिख के भेज दो। तो मैं उसनू कहा कि पहले लैटर तुहानू बहुत सारे लिखे है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं, तो तुसीं वो लैटर भी देख सकते। मैं दोबारा फिर जिहड़ा है वो सारे लैटर पूरा मैटर जिहड़ा है एक वीडियो बना के उसनू भेजी, उहदे वट्सएप दे उत्ते भेजी, उहदे पीए दे वट्सएप दे उत्ते भेजी। कई बार मनजिंदर सिंह सिरसा दे नाल गल कीती, अज कर दांगा कल हो जाएगा, उसने मिलन का टाइम तो नहीं दिता, पर उसने उहदे उत्ते कोई रिएक्ट जिहड़ा है बाद विच किसी भी तरह का जिहड़ा है मीडिया दे विच आ के भी नहीं किया। अज साडियां एस जी पी सी तो जिहड़ा है कोई जिहड़ा है वह भी रिस्पोंस नहीं आया। सन अज जिन्नियां भी साडियां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां है वह केवल तो केवल जिहड़ा है जदों कोई गुरद्वारा साहब नूं ढा दिता जांदा है, जदों कुछ ना कुछ हो जाता है तो फिर उन्होंने बयान आते हैं, फिर केवल जिहड़ा है दुनिया नूं दिखाउण वास्ते जिहड़ा है वो मुजाहरे करते हैं। पर जिहड़ा है जदों ये सब जिहड़ा होण वाला हो रहा होवे वो गुरद्वारा साहब नूं जिहड़ा है केवल तो केवल जिहड़ा है उन्हां दी जिहड़ा है ढाउण दी प्लैन है, क्योंकि मैनूं स्टेशन कमांडर ने खुद कह दिता कि साहब जिहड़ा है गुरद्वारा साहब बहुत पुराना बनिया होया है, कितने जिहड़ा है उहदी छत ना डिग जाए, इस करके उन्हूं जिहड़ा है डेमोलिशन दे विच पा दिंदे हाँ। जदों कि गुरद्वारा साहब जिहड़ा है बहुत वधिया बनिया, फिर मैं कहा कि उहदी रिपेयर की कीती है, जबकि गुरद्वारा साहब बहुत शानदार पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वह कितने भी जिहड़ा है अगले होर 100 साल तक जिहड़ा है कितने नहीं जाण वाली है। तो ये फौज की जिहड़ा है उसनू डेमोलिशन करन दी प्लैन है वह गुरद्वारा साहब नूं, इहदे उत्ते किसी भी तरह की जिहड़ा है कोई जिहड़ा है किसी सिख जथेबंदी का रिएक्शन नहीं आया। भाई बलदेव सिंह बड़ाला नाल मैं गल की, उहदे ईमेल के उत्ते मैं सारे जिहड़े है ये लैटर भी भेजे और वीडियो बना के भी भेजी, पर उसने भी किसी तरह का कोई रिस्पोंस नहीं दिता। अज जिहड़ियां साडियां सिख जथेबंदियां है इन्नियां अवेसलियां और साडे सिख जिहड़े है इन्ने अवेसले हो चुके हैं, जिहड़े पंथ दर्दी है अज उन्हां नूं अगे आउणा चाहीदा है। मैं तो कहना कि ये नालों जिहड़ा है अंग्रेज़ों का राज ही चंगा सी,
ਕਿ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਸਗੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਂਪਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਥਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਥਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਥੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਗਈਆਂ। 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਚਰਚ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਮੰਦਰ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘਟੀਆ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮੋਰ ਆਗੂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੇਆਮ ਤਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ SGPC ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।